हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक स्टेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो से कॉपीराइट कैसे हटा सकते हैं। सो कई लोग ये गलती करते हैं कि आप वीडियो डिलीट कर देते हैं। वीडियो डिलीट करने से कॉपीराइट नहीं हटती। जब कॉपीराइट हटती है, जब उसे 3 महीने होते हैं, तब अपने आप हटती है वो। सो ये गलती मत करिए कीजिए कि वीडियो डिलीट कर दी। अगर वीडियो डिलीट कर दी आपने, तो उससे आप कॉपीराइट नहीं हटा सकते। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आप कॉपीराइट कैसे हटा सकते हैं वीडियो से। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। अगर आपको फ़ोन से सीखना है कैसे हटा सकते हैं, तो मैं आपको फ़ोन से बता दूंगा। उसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा दूसरी। सो चलिए पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलते हैं। हे गाइस, मैं आपको ले आया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो अब मैं आपको बताता हूँ आप कॉपीराइट कैसे हटा सकते हैं। सो जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो, उसे ओपन कर लेना है और उस पर यूट्यूब ओपन करना है। कोई से भी ब्राउज़र पे आप ओपन कर सकते हो, सब पे सेम ही होता है। फिर आपको अपना प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर जैसे इस पर कुछ क्लिक करोगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे, अपलोड हो रहा है, ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आप जैसे इस पे आओगे, आपको साइड में ऑप्शन मिलेंगे, आपको कंटेंट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही कंटेंट पे क्लिक करोगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको फिल्टर पे क्लिक करके कॉपीराइट क्लेम्स, ये देख सकते हैं आप जिस जिस वीडियो पे कॉपीराइट्स आए हैं वो आ गई हैं। फिर आपको जो पेंसिल वाला आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, डिटेल्स सिस्टम। फिर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे, ये देखिए रिस्ट्रिक्शन कॉपीराइट क्लेम। सो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा सी डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। सो गाइस ये देखिए अब यहाँ पे आ चुका है कि कब से कब तक कॉपीराइट वाला सॉन्ग चला है। 0.54 सेकेंड से 3.56 मिनट्स तक चला है, ये देख सकते हैं। आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको इस आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिम आउट सेगमेंट, मतलब जहाँ पे सॉन्ग यूज़ करा है आपने, वहाँ से वीडियो कट हो जाएगी। और दूसरा है रिप्लेस सॉन्ग, तो जो सॉन्ग कॉपीराइट है, कॉपीराइट नहीं है, आप उसको इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है म्यूट सॉन्ग, आप इससे म्यूट कर सकते हैं सॉन्ग। सो गाइस अब मैं आपको बता चुका हूँ, आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको प्रोसेसिंग का ऑप्शन मिलेगा और अपने आप प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बता चुका हूँ, तो बस आज की वीडियो में इतनी। सो गाइस मैंने आपको लैपटॉप से तो बता दिया, अगर आपको फोन से जानना है कैसे कर सकते हैं, कॉपीराइट कैसे हटा सकते हैं, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको कल वीडियो डाल के दे दूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा सब्सक्राइब करके, आपने अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।